सर जादव जी सर वन मिनट सर सर आफ्टर सर जादव सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर हाँ यस सर बहुत छोटी सी चीज़ है, मैंने इसलिए कपिल सिब्बल जी जब बोल रहे थे तो मैंने उसमें बीच में टोका नहीं, क्योंकि वो जो फ्लो पे बोल रहे थे उसमें डिस्टर्ब होगा। पहली चीज़, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के 3-4 वक्तव्यों का जिक्र किया है। मेरी रिक्वेस्ट होगी चेयर से कि उन जो जिन वक्तव्यों का उन्होंने जिक्र किया है उसको वो ऑथेंटिकेट करें, अगर ऑथेंटिकेट नहीं करते तो उसको जो है वो रिकॉर्ड से निकाला जाए। तीसरा विषय है, बहुत स्पष्ट है, एज रिगार्ड एलिगेशन अगेंस्ट एन आउटसाइडर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस द प्रैक्टिस एंड द कन्वेंशन इज नॉट टू ब्रिंग ए नेम ऑफ एनी पर्सन हु कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। इन्होंने कुछ संगठनों का नाम लिया है, कुछ संगठनों का नाम बार बार लिया है, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन उस जो जिन संगठनों का नाम, जो संगठन यहाँ अपने को डिफेंड नहीं कर सकते उनको यहाँ स्पष्ट करें। आफ्टर शरद यादव जी और क्यों शरद जी, शरद जी, शरद जी प्लीज। अध्यक्ष जी आज कल से इस देश में हत्या और आत्महत्या और वो भी कानून के सब तरह के, हर तरह के संविधान का और कानून को कुचल करके जो काम चल रहा है, मैं आपसे निवेदन करूं कि मैं जब इस सदन में आया था तो 5वीं, 6वीं, 7वीं लोकसभा में पैदल चल के आता था, मैं नॉर्थ यूमेन में रहता था। आज ये सदन जेल खाना, मैंने जेल भी बहुत भोगी है, जेल में थोड़ी बहुत सहूलियत थी लेकिन ये जेल खाना हो गया। इतिहास में हमारे बाप जो पुरखे थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो लड़ते लड़ते हिंदुस्तान में इस धर्म के चलते हिंदुस्तान के 3 हिस्से हो गए और वो 3 हिस्से आज हमको जेल खाने में बदल दिए। ये 70 बरस हम कहाँ पहुंचे हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, क्योंकि सरकार के बाद परमात्मा है और वो हमसे कभी मिला नहीं, इसलिए उसको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमारी नहीं, लेकिन परमात्मा के पहले तो आप ही हैं, यहाँ और तो कोई नहीं है। आपसे ही विनती कर सकते, आपसे ही लड़ सकते, आपसे निवेदन कर सकते। हमारे आसपास ही अखलाक, भोजन खाने के नाम पर कत्ल हो जाता है उसका। पहलू खान, जुनैद, नजीब, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का जो नौजवान है, हिंदुस्तान हम लोग कहाँ खड़े हैं, वो जिंदा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो नौजवान पढ़ता था वो जिंदा गायब हो गया है। अदालतें लगी हैं उसको खोज करने में, यहाँ की पुलिस लगी थी, FCBI लगी है। पहलू खान, मैं आपसे कहूं कि ये जान लीजिए कि धर्म जब राजनीति पे है, धर्म जब राजनीति पर हावी हो जाता है और राजनीति जब धर्म पर हावी हो जाती है, दोनों मायने में गड़बड़ हो जाता है, दोनों मामले में मुल्क और कौम बर्बाद हो जाती है। ये है बाजू में पाकिस्तान, है अफगानिस्तान, है सीरिया, है इराक, ये देश बहुत
तरह के अंतर विरोधों से भरा हुआ है। मैं उपाध्यक्ष जी मैं जानता हूं, मैं कहना चाहता हूं, जीवन का मेरा अनुभव है, अकेले इस देश में धर्म ही नहीं है, जात से लेकर कई तरह की भाषा बोली सबकी बीमारी है। ये बीमारी का समाधान की जगह उन बीमारियों में आग लगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। कभी अभी आपके नेता विरोधी दल नहीं है यहाँ, उनने कल विस्तार से बहुत सी चीज कही थी, लेकिन आपकी नज़र के लिए आपके लिए मैं निवेदन कर दूँ, कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2014 में आप आए हैं, ये जो लिंचिंग है, लोग इकट्ठा होकर के एक आदमी की जान जब लेते हैं, और लिंचिंग जो है, भीड़ जो एक आदमी को मिलकर जब मारती है, इससे ज्यादा तालिबानी और इससे ज्यादा अफगानी तरीका कोई दूसरा नहीं हो सकता। सबसे नंबर एक पे है झारखंड, 14 जिलों में लिंचिंग हुई है, नाम के साथ बताऊंगा लंबा समय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 11 जगह, 11 जिलों में, हरियाणा में 9 जिलों में, यहां है आपका राज और वहां भी आपका राज, राजस्थान में 5 जिलों में, मध्य प्रदेश में 4 जिलों में, महाराष्ट्र में 4 जिलों में, गुजरात में 4 जिलों में, फिर दूसरे जिले जब दूसरी सरकारों के आ जाते हैं तो 2 हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। और मुझे गौरव है कि मैं जिस सूबे के आता हूं, जिस सूबे से मैं सदन में हूं, एक घटना नहीं है। हमारी सरकार जो है, जब आदमी संवेदनशील हो जाता है इंसानों के प्रति, तो बिहार में एक घटना नहीं है किसी तरह की लिंचिंग की। इस तरह का धर्म के नाम पर लोगों को दबा के काटने का, कुचलने का एक घटना नहीं है। वो भी देश में हिस्सा है, वो भी देश में हिस्सा है। आपसे कहूं, बहुत लोग कुर्बान हुए तब कहीं आजादी आई है। ये आजादी जो है, एक बार धर्म के नाम पर देश बट गया, जिन लोगों ने यह काम किया है वो भुगत रहे दोनों। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, आज आपकी सरकार है, हालात इतने खराब हैं कि धर्म के नाम पर कुछ लोग बस में चढ़ने से मुश्किल में, बस में चढ़ने से डर रहे हैं, ट्रेन में चढ़ने से डर रहे हैं। मैंने जिस आदमी का, जुनैद का नाम लिया, वो आदमी जो है उसको बचाने वाला कोई नहीं है, और ये हालात है, हालात हो गए, ये जेल हो गया, ये आपका पार्लियामेंट, किसी एक साथी को अंदर नहीं ला सकते हो आप, दिन भर यानी कोई आदमी लाना है आना है तो हमको खुद अपनी गाड़ी का अपना खुद कार्ड बनवाना पड़ता है। हमने आजादी जो है वो मुल्क बांट के इसको यहां कैद खाने में बदला है। आप इसके बाद किस तरह से तबाही और किस तरह के बर्बादी करना चाहते हैं? ये गाय का मामला कौन ने उठाया, क्यों उठाया, क्यों नहीं उठा पहले, ये कौन है रोज ये गाय का सवाल उठाने वाले लोग? पहले ये बाल सवाल नहीं था, कब पहले कभी हुआ था? फिर बीच में लगभग 60 बरस हो गया, कोई ने कुछ नहीं कहा, किसी तरह की दिक्कत नहीं। आप जानते हैं इस सवाल के साथ क्या क्या हुआ? आपने जो लेदर इंडस्ट्री है उसको तबाही और बर्बादी के कागार पर खड़ा कर दिया। किसान जो आत्महत्या कर रहा है, 12,000 किसान हर बार, हर साल आत्महत्या कर रहा है, कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ। बड़े बड़े सूखे पड़े लेकिन कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ कि आत्महत्या, इंसान मरने को तैयार हो जाए। ये गाय का सवाल जो है वो हमारे यहां जो किसान है उसका दो नंबर का, दूसरे नंबर का यदि कोई एक सहारा है वो पशुधन है, उसका एक खेती है,
वो गाय है, बकरी है, भेड़ है, ऊंट है, गाय है, भैंस है, ये उसके एटीएम है। जब संकट हो जाता है उसका, तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के गरीब आदमी का कोई एटीएम है तो वो जानवर है। धन पशु कहते हैं हम, खेती को पशु धन नहीं कहते हम, पशु को धन कहते हैं हम, पशु धन के नाम से हम लोग पशु को एड्रेस करते हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कौन गाय का कहां मामला था ये? कौन अपने आप हिंदुस्तान में एक बड़ी आबादी है, बड़ा हिस्सा जिनमें ये हम कांड हो रहे हैं, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, गुजरात में, कौन गाय का मांस खाता था, कौन गाय को मारता था, कौन कहता ये? क्यों ये सवाल आपने उठाया? आपने उठा लिया यानी आपने पशु की क्रूरता का कानून जो है उसको उठाकर लेके आए। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के किसान की एक तो खेत का जमीन में उत्पादन करने के लिए खाद, बीज, लोहा सब कुछ अभागा देश है हिंदुस्तान, किसानों का होना चाहिए था, अकेले उसकी कीमत बढ़ती, उसके उत्पादन की कीमत बढ़ती है तो हिंदुस्तान बॉम्ब मचाता है, और जो बॉम्ब मचाते हैं उनकी संवेदनहीनता मर गई है। हिंदुस्तान का किसान जो है वो आज किस कगार पर है? जो पेरिशियल सब्जी फल उगाने वाला किसान है आज वो जिस हालत में है मैं आपको क्या बयान करूं। ऊपर से ये गाय वाला इन लोगों ने मामला किया है, हर तरह जानवर की कीमत जो है वो जमीन पर चली गई है, खेती के उत्पादन की जो है वो जमीन वो दाम भी नीचे हो गया, और जो पशुधन था उसके दाम भी नीचे चले गए, जो उसका एटीएम था वो भी नीचे चला गया। क्या करना चाहते हो? ना तो रोजगार दे रहे हो, कह रहे थे दो साल दो एक वर्ष में दो करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, डेढ़ गुना आप दाम देंगे, आप ये नहीं कर रहे हो तो उनके हाथ से जो है, उनके बाजू में जो है, उनके हाथ में जो है, उनका जो धन है, पशुधन है, उसको क्यों मेले में ठेले में कई तरह के कानून कर रहे हो? कौन ने यह कानून बनाया? क्यों नहीं इसको वापस लेते हो? यह किसान की बात आपने तबाही मचा दी है। और मैं आपसे कहूं कि आपने किसान को डेढ़ गुना देने की जगह जितने भी कैश क्रॉप है उनकी सबकी बर्बादी और तबाही हो रही है। नोटबंदी के चलते लगभग 5 करोड़ किसान के दाम जो है वो खेत में सामान सड़ गया। इसी तरह से दलित का मामला, हमारा एमपी है वो क्या कहते हैं अली अनवर, ये मेवाद 2 मिनट इनको दे दीजिए, मेवाद जहां महात्मा जी भूख हड़ताल में बैठ गए थे वो सब पाकिस्तान जा रहे थे, वो सब लोग 100-150 बरस पहले यहाँ के किसान मजदूर जाट गुजर रहीर वही बने हैं, वो दिवाली मनाते हैं, वो होली मनाते थे, वो हमारे जैसा कपड़ा पहनते थे, वही उसी जगह का आंदोलन में ये हमारा अनिवार्य गया था, वो 1 मिनट उसको 2 मिनट जरूर देने थे, दर्द से भरा हुआ है। आप जो है वो दलित के साथ ये दलित के एक 2 मिनट में बात मेरी बात जरूर सुन लीजिए, ये जो सहारनपुर में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, ये 2 तारीख को 2 मई को सिमलाना गांव है, यहाँ जो ऊंचा और नीच का बड़ा मामला है मैं उसमें बोलूंगा तो और कलह बढ़ेगी, धर्म के आधार पर तो कलह है ही, जात का भी इस तरह का कलह बढ़ रहा है कि यहाँ कुछ दबंग लोग इकट्ठा होते हैं। इस मीटिंग में स्थानीय सांसद रहता है, एक फूलन देवी को मारने वाला उसको मैरोल मिलता है, वो उस मीटिंग में रहता है, और उन लोगों की मीटिंग का नतीजा होता कि 5 तारीख को जब वो निकलते हैं तो पूरे गांव में आग लगा देते हैं, माँ बहन बेटी के साथ में बोल नहीं सकता जो करते हैं वो लोग। सरकार एक दिन भी जिन पूरे गांव को जला दिया, एक बटे पांच आबादी, पांचवा भाग 20% लोग दलित और आदिवासी, उनके साथ जुल्म हो गया। वो अभी है मेरे साथ, चलो एक की FIR दर्ज नहीं हुई, एक की FIR दर्ज नहीं हुई,
और वो लोग जब प्रतिकार के लिए किसी होटल में ठहरे आपके सहारनपुर में, तो एक राणा तो प्रताप हॉस्टल है उसमें लोग ठहर गए, आग जली हुई, एक भी FIR उपाध्यक्ष नहीं हुई, एक भी उपाध्यक्ष नहीं हुई। ये चंद्रशेखर जो नौजवान आजाद है आज उसके साथ 50 लड़के बंद हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनको सारे इलाके में जो लोग होश बंद हो गए और जो कहते हो सेना, अरे सेना तो कानून के अंतर्गत आपको बंद करना है, कोई भी सेना बने उसको रोकने का काम आप कर सकते हो, लेकिन उन नौजवानों को चारों तरफ कई तरह के केस लगा करके आप उनको उनके साथ जुल्म और जाति और कुचलना चाहते हो, हजारों बरस से कुचलते रहे आप, फिर कुचलना चाहते हो। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से पूरे देश से, यदि उन नौजवानों के साथ पूरे देश में ऊना से लेकर ये रोहित भोमुला, बाबा साहब जिंदगी भर लड़े कभी मौत तक नहीं गए, मगर रोहित भोमुला बोलता है मेरा जन्म ही मेरा गुनाह है, ये हमारी आजादी का मायने निकला। हम यहां आजादी में, हमारी आजादी यहां खत्म होती है कि एक दलित नौजवान CPLT करने भी आ जाता है और अंत में वो सोचता है कि मेरा और कोई नहीं, मेरा जन्म ही मेरा गुनाह है, मैं मौत को गले लगाता हूं। यानी लोग लड़ रहे थे आजादी के समय, अंग्रेज जब था तब लड़ रहे थे, आज हमारी आजादी में एक नौजवान कहता है कि मेरी जात है वही मेरा गुनाह है, इस गुनाह के लिए मैं मरता हूं, कोई दोषी नहीं है, ये जो सिस्टम आपने बनाया हुआ है ऊंच नीच का, यही दोषी है। आप कहते हो इस देश में कुछ नहीं है, सर जी ये सारी दलित का किसान की, किसान 1200 अभी 15 मिनट और बोले 1200 हर दिन 20 या 25 किसान मर जाता है आत्महत्या करके, हम हत्या कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कैसा हमने मुल्क बनाया। ये 70 बरस मुझको भी कभी लगता है, मैं से सदन में हूं, कभी कभी लगता है कि ये सदन, ये पूरा देश ऐसा संबंधहीन हो गया है, लड़ते लड़ते तंग हो गए हैं, ऐसा लगता है कि धरती फट जाए हम इस धरती से चले जाए, ऐसी हालत इस देश की। आपको सुबह आपको सुना बगैर और क्या रास्ता है, अहिर साहब, नकवी साहब, आप शिक्षा मंत्री जी, जान लीजिए देश जो है वो, मैं आपसे कहता हूं बहुत बुरी जगह जाने वाला, सिविल वार की तरफ बढ़ रहा है, आदमी बस में चढ़ने से डर रहा है, जो दलित जो हिंदुस्तान में हजारों वर्ष से दुखी और तकलीफ में है, उसने कभी इस देश से अलग होने की बात नहीं कही, बर्दाश्त उसने किया, उसकी सहने की शक्ति का आप परीक्षा ले रहे हो, ऐसी परीक्षा ले रहे हो उसके मकान जल जाए, माँ बहन बेटी के गुप्तांग में तलवार डाल दी जाए, उसके स्तन काट लिया जाए और इसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हो, आपकी सरकार है, किससे कहें हम, वो लोग मेरे पास आते हैं, मैं आपको क्या कहूं, कभी कभी लगता है ये आजादी मजबूत लोगों के बाजू में तो आ गई, लेकिन ये आजादी गरीब के बाजू में नहीं गई, किसान के बाजू में नहीं गई, शरद जी दलित के बाजू में नहीं गई, शरद जी दलित के बाजू में नहीं गई, आदिवासी के बाजू में नहीं गई, कंक्लूड कीजिए। ये आदिवासी जंगल काट डाले आपने, पांचवा और छठवा संविधान में लग के रखा आपने, उनके हक को कूने को नहीं मिल रहे, हाजी भाई क्या है, किस बात के लिए लोकतंत्र है ये, किसके बात के लिए वोट है ये, क्यों इंसाफ नहीं होता, इंसाफ करो, ये जो आपका शब्बीरपुर है, इसके गरीब के मकान भर गए, इनको हम मुआवजा नहीं दे सकते, ये घायल है, मेरे साथ चलो, मैं सदन से माफी मांग लूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा, चलो मेरे साथ, उनके साथ क्या हुआ है देख लो, कोई मंत्री मेरे साथ चले, देखो उनके साथ क्या हुआ, क्या क्या हुआ उनके साथ, क्यों ये सदन चल रहा है, किस बात के लिए हम लोग बैठे, ऐसा जुल्म, ऐसा अन्याय, खाने पे अखलाक मर जाए, जुनेद जिंदा जिंदा, इस देश में जिंदा एक यूनिवर्सिटी है जवाहरलाल नेहरू सबसे बड़ी है, उससे जिंदा जुनेद जो है वो गायब हो जाए, वो हमारा कानून पता नहीं लगा सकता कि मर गया, जी रहा, कहां गया,
हड्डी भी पता नहीं है, जिंदा इंसान उठा के कहां ले गया? किस बात के लिए आपको चुना है? किस बात के लिए आपको राज मिला है? क्या किस बात की संविधान की ओथ लेते हो? किस बात के लिए इसको नमन करते हो? हिंदुस्तान की जनता को, उसकी इज्जत और हैसियत को, उसके कानून व्यवस्था को बचाए रखने की अभी 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 कंक्लूड कीजिए। कोर्ट पे जाना चाहिए। या तो मैं यही विनती करूंगा, मैं आपकी मजबूरी जानता हूं, लेकिन मेरी विनती आपके माध्यम इतनी है, सरकार के भाइयों, ये मुल्क एक बार बढ़ चुका, इस देश में अब मुसलमान रहना चाहता है, वहां गया था तो रो रहा है, तबाह बर्बाद हो रहा है। ये हमारे मित्र भी हैं। मैं यकीन के साथ कहता हूं, मैं गांव गया था, वहां एक अम्मी नाम की महिला रहती है, वो मुझे बचपन में खिलाई है। वो पूछती है कि हम इस देश में कैसे रहें, नवा गांव में मुस्लिम के इलाके में लग रहा जाओ पाकिस्तान। मैं कहूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान मन बना लिया यहां रहने का, एक दिन था वो मन बनाया था पाकिस्तान बनवाने का, आज मन बना लिया यहां रहने का। ये इससे बड़ी नियामत और कोई नहीं हो सकती कि हिंदुस्तान की बहुसंख्यक समाज के बाद बहुसंख्यक दुनिया का अखिलियत का आदमी यहां रहता, उसका मन इस देश में जीने का है, मरने का है, वो रहना चाहता है, उसके उसका मत है। उसे ऐसी दीवार पर मत लगाओ कि ये जेल खाना, ये कश्मीर, ये हक ठेक कर सकते हैं। ओके, काय के लिए है। मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे विनती करना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत कुछ था, किसानों के बारे में बोलना चाहता था, लेकिन आपकी मजबूरी जानता हूँ, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर आपसे अपील करना चाहता हूँ, ये गाय की तमाशा बंद करो, कोई गाय के साथ में छेड़खानी करना, पूरा किसान तंग तबाह हो गया है, गाय के दाम घट गए, जानवर के दाम घट गए हैं, किसान के फसल के दाम घट गए हैं, क्यों ये उल्टे सीधे नॉन इशू उठाने का काम कर रहे हो? सरकार में आ गए तो अच्छा काम करो, जो कहा उसको पूरा करो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।